सब्सक्राइब कीजिए अग्रवाल टेक्निकल चैनल को और बेल आइकन दबा दीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपको मेरे चैनल अग्रवाल टेक्निकल पर। और आज के इस वीडियो में आज आपके साथ शेयर करने वाला हूं लेटेस्ट टेक न्यूज। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले अपडेट निकल के आ रहा है रेडमी की तरफ से। रेडमी वालों ने अपना नोट 12 5G का नया वेरिएंट भारत में लॉन्च कर दिया है। अगर हम इसके प्राइस पॉइंट की बात करें तो 21,999 के प्राइस पॉइंट में इसको भारत में लॉन्च किया गया है। और इसके स्पेसिफिकेशन की थोड़ी सी बात कर लेते हैं हम यहाँ पे। तो रेडमी नोट 12 5G 8GB रैम के साथ और 256GB स्टोरेज के साथ हमें प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसके हैंडसेट के प्रोसेसर की बात करें तो स्नैपड्रैगन 4 Gen 1 6nm ऑक्टा कोर प्रोसेसर हमें प्रोवाइड कराया जा रहा है इसमें। और अगर हम इसकी बैटरी की बात करें तो 5000 की पावरफुल बैटरी हमें प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसमें 33 वॉट की फास्ट चार्जिंग का हमें ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बाकी हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हमारा नेक्स्ट अपडेट है एसर की डब्ल्यू सीरीज ने 4K OLED स्मार्ट टीवी को लॉन्च कर दिया है। दो नए डिस्प्ले वेरियंट इन्होंने लॉन्च किए हैं। 55 इंच और 65 इंच की डिस्प्ले के साथ हमें देखने को मिल जाती है। और इस डिस्प्ले के साथ घर पर सिनेमा हो तो मज़ा ही आ जाए ऐसे में सिनेमा देखने में। बाकी हम इसकी थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। एसर ने भारतीय बाजार में डब्ल्यू सीरीज 4K OLED स्मार्ट टीवी को पेश किया है। इस स्मार्ट LED टीवी को दो वेरिएंट में 55 इंच और 65 इंच में लॉन्च किया गया है। अगर हम इसके प्राइस पॉइंट की बात करें तो 55 इंच की जो LED है इसको 69,999 रुपये में लॉन्च किया है और 65 इंच की LED को 89,999 रुपये में लॉन्च किया है। बाकी हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हमारा नेक्स्ट अपडेट है सैमसंग की तरफ से। सैमसंग वाले कह रहे हैं कि भैया हमारा सैमसंग गैलेक्सी A24 4G फ़ोन जो है उसकी डिटेल्स लीक हो चुकी हैं। ये फ़ोन 50 मेगापिक्सल कैमरा और 5000mAh की बैटरी के साथ आएगा। और कैसा रहने वाला है ये फ़ोन, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। सैमसंग वाले अपना सैमसंग गैलेक्सी A24 तुर्की में जल्दी लॉन्च करने वाले हैं। इसकी नई लीक आ गई है। सैमसंग गैलेक्सी A24 4G के प्रोस्पेक्टिव केस स्टैंडर्ड सामने आए हैं। गैलेक्सी A24 में ट्रिपल रियर कैमरा यूनिट मिलने की संभावना है। तो कैसा रहने वाला है फ़ोन ये तो तुर्की वाले ही बताएंगे इन द टाइम जब ये लॉन्च हो जाएगा। बाकी हमारा नेक्स्ट अपडेट निकल के आ रहा है 108 मेगापिक्सल का कैमरा लॉन्च हो चुका है। जी हाँ, OnePlus Nord CE 3 Lite लॉन्च हो गया है जो 108 मेगापिक्सल कैमरा के साथ लॉन्च हुआ है। OnePlus Nord CE Lite सामने आए हैं इसके कई फीचर्स। तो क्या है ये, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पे फ़ोन हमारा एंड्रॉयड 13 पर ऑक्सीजन OS 13 ऑपरेटिंग सिस्टम पर बेस्ड है। डिवाइस की हम बात करें तो 5000mAh की बड़ी बैटरी के साथ हमें ये देखने को मिल जाता है। फ़ोन की बात करें तो स्नैपड्रैगन 695 5G SoC देखने को मिल सकता है हमें इसमें। बाकी क्या क्या चीज़ें रहेंगी ये तो हमें टाइम के साथ ही पता चलेगा जब ये पूरी तरह से मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। और हम इसकी थोड़ी सी और बात आपको बता देते हैं कि ये जो फ़ोन है आपका, ये आपको 6.67 इंच 1800x200 पिक्सल रेजोल्यूशन में LCD डिस्प्ले में बताया गया है। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हमारा नेक्स्ट अपडेट है WWDC में नए प्रोडकास्ट पेश कर सकती है एप्पल। 5 और 9 जून तक हो सकते हैं इवेंट। अब क्या रहेंगे इवेंट्स, इसकी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इस बारे में। WWDC में नए प्रोडक्ट्स पेश कर सकती है एप्पल, क्या है ये, क्या इवेंट करने वाली है, इसके बारे में बता देते हैं आपको। इसमें रियलमी प्रो AR हैंडसेट भी पेश किए जा सकते हैं। कंपनी 15 इंच की मैकबुक एयर को भी डिवेलप कर रही है और इस इवेंट का आयोजन ऑनलाइन होगा। इसकी सारी डिटेल मैं आपको इवेंट के पहले बता दूंगा। बाकी बढ़ते हैं हम नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हमारा नेक्स्ट अपडेट आ रहा है वन प्लस की तरफ से। वन प्लस ने अपना वन प्लस 11 जुपिटर रॉक एडिशन का फ़ोन लॉन्च कर दिया है जो 16GB रैम 50 मेगापिक्सल कैमरे के साथ वन प्लस का नया एडिशन आ गया है। तो इसमें हमें क्या क्या देखने को मिलेगा इसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वन प्लस 11 5G का जुपिटर रॉक नया स्पेशल एडिशन मॉडल लॉन्च हो गया है। इस फ़ोन में एक यूनिक डिज़ाइन दिया गया है जो कि सौरमंडल ग्रह से प्रेरित है। और क्या चीज़ें रहेंगी इसमें, वन प्लस 11 5G में 6.7 इंच की LTPO 3.0 AMOLED डिस्प्ले दी गई है
और अगर हम इसकी बात करें तो ये काफ़ी अच्छा फ़ोन रहने वाला है। अब ये चीज़ें कैसी हैं ये तो हमें जब फ़ोन हाथ में आएगा तभी पता चलेगा। बाकी हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हमारा नेक्स्ट अपडेट आ रहा है मोटो जी की तरफ से। मोटो कंपनी ने G13 लॉन्च कर दिया है 9,999 रुपये में 50 मेगापिक्सल के कैमरे और 5,000 बैटरी के साथ। तो G30 कैसा है ये इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा जो ये फ़ोन है मोटोरोला का, तो ये भारतीय बाज़ार में लॉन्च हो चुका है और इस फ़ोन को G13 को 6.5 इंच की IPS LCD डिस्प्ले दी गई है। इस फ़ोन में G13 में इसका हम रेशो की बात करें तो 1.5 एपर्स के साथ 50 मेगापिक्सल का पहला कैमरा दिया गया है। काफ़ी अच्छा फ़ोन रहने वाला है। 4GB 128GB की स्टोरेज भी रेट रहेगा। इसकी प्राइस पॉइंट मैंने आपको पहले ही बता दिया 9,999 का, जो इसका 4GB 128 का वेरिएंट है, और इसकी जो 4GB 464 का जो वेरिएंट है वो 9,499 रुपये का रहने वाला है। तो ये जो स्मार्टफोन है 5 अप्रैल से आपको दोपहर 12 बजे से बिक्री के लिए उपलब्ध हो जाएगा। फ्लिपकार्ट पे इसके आपको अवेलेबल मिल जाएगा ख़रीदने के लिए। बाकी हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हमारा नेक्स्ट अपडेट है Xiaomi TV की तरफ से है। Xiaomi वालों ने अपना S65 की सेल शुरू कर दी है, जो डिस्काउंट पे खरीद होने वाली है। तो जाने क्या रहने वाले हैं इसमें खास बातें, जो इसकी खास बात हम कर लेते हैं। Xiaomi TV के जो S75 में 75 इंच की डिस्प्ले और S65 में 65 इंच की 4K डिस्प्ले दी गई है। Xiaomi TV S65 की कीमत 3,499 युआन, मतलब लगभग 41,792 रुपये है। तो एक अच्छी क्वालिटी में हमें एक अच्छा Xiaomi का अच्छा प्राइस पॉइंट पर टीवी मिल जाता है। अगर हम बात करते हैं 75 इंच की डिस्प्ले की, तो और Xiaomi TV S65 और S75 में 3GB रैम और 32GB इंटरनल स्टोरेज भी दी गई है, जो कि इसको स्मार्ट टीवी प्रोवाइड करती है। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हमारा नेक्स्ट अपडेट है OnePlus की तरफ से। OnePlus ने नोड अपना 2T 5G एक्सचेंज के बाद 9,526 रुपये में खरीद सकते हैं आप। नॉचिंग फ़ोन एक पर भी तगड़ी छूट दे रहे हैं ये लोग OnePlus वाले। तो ये फ़ोन कैसे रहने वाले हैं इसकी थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं। OnePlus का Nord 2T 5G में 6.43 इंच की AMOLED डिस्प्ले दी गई है। नॉचिंग फ़ोन में 6.55 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले दी गई है। नॉचिंग फ़ोन 1 में 50 मेगापिक्सल का पहला कैमरा है और 50 मेगापिक्सल का दूसरा कैमरा है, मतलब फ्रंट कैमरा एंड बैक कैमरा। बाकी अगर हम इसकी प्राइस पॉइंट की बात कर रहे हैं तो ये 1500 रुपये तक के इन्वेस्टमेंट डिस्काउंट पर मिल रहा है। 28,999 इसका प्राइस पॉइंट है। Nord 2T 5G 8GB रैम और 128GB स्टोरेज के वेरिएंट में मिलता है हमें 28,999 के प्राइस पॉइंट पे। बैंक ऑफर भी यहाँ पे इन्होंने दिए हैं। बाकी सारी चीज़ें तो आपके सामने हैं ही। बाकी हम पढ़ते हैं अपने नेक्स्ट अपडेट की तरफ। हमारा नेक्स्ट ODC वेड इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ से। ODC वालों ने अपनी इलेक्ट्रिक बाइक लॉन्च कर दी है, जो 7 इंच एंड्रॉयड डिस्प्ले के साथ प्रोवाइड कराई जा रही है। यह पहली बाइक लॉन्च हुई है जो सिंगल चार्ज पे 125 किलोमीटर तक की रेंज का रन दे रही है और ये देखने में भी काफ़ी शानदार लग रही है। बाकी हम इसकी अगर पावर की बात करें तो एक पावरफुल 3000 mAh वॉट की इलेक्ट्रिक मोटर दी गई है इसमें। 85 किलोमीटर पर आवर की स्पीड प्रोवाइड कराएगी हमें और इसमें गूगल का साथ में नेविगेशन मिल जाता है, जो इसको बहुत बेहतर बना देता है। 18 लीटर स्टोरेज स्पेस जैसे फीचर्स भी हैं इसमें। एंड हमारा लास्ट अपडेट है रेडमी की तरफ से। रेडमी वालों ने Note 12 4G लॉन्च कर दिया है, जो 50 मेगापिक्सल कैमरा के साथ 5000 mAh बैटरी के साथ AMOLED डिस्प्ले में हमें प्रोवाइड कराया जा रहा है। इसकी थोड़ी और डिटेल स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं तो ये फ़ोन जो है लूनर ब्लैक, फोस्टेड आइस ब्लू और सनराइज गोल्ड कलर में हमें प्रोवाइड कराया जा रहा है। जो स्मार्टफोन है ये 6 अप्रैल दोपहर 12 बजे खरीदा जा सकेगा। आप इसको अमेजोन की ऑफिशियल वेबसाइट से खरीद सकते हैं, MI.com की वेबसाइट से खरीद सकते हैं और रिटेलर स्टोर पे भी अवेलेबल हो जाएगा बिक्री के लिए। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप
मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको इसमें कौन सा अपडेट सबसे ज़्यादा पसंद आया। बाकी इस वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और आप चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट्स आपसे कोई भी मिस ना हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।